नमस्कार, सक्षी न्यूज नाटक पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने ग्रेनेड हमलों में शामिल रहे 4 लोगों को गिरफ्तार कर आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। बताया जा रहा है कि ये चारों जम्मू केंद्रीय कारागार में बंद कैदियों से निर्देश प्राप्त कर रहे थे। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि पकड़े गए लोगों के पास से 3 हथगोले भी बरामद किए गए हैं। पुलिस प्रवक्ता ने कहा, अवंतीपुरा में पुलिस ने आतंकवादियों के 4 सहयोगियों को गिरफ्तार करके प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े ग्रेनेड फेंकने वाले मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है और इस तरह बड़े विनाशकारी आतंकी हमलों को टाल दिया गया है। उन्होंने गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान आकिब मंजूर भट्ट, मुदासिर अहमद भट्ट, गुलाम मोहम्मद अहंगर, वारिस बशीर नजर के रूप में की है। बताया जा रहा है कि यह चारों त्राल के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वारिस बशीर नजर 1 मार्च को मंडूरा में सेना के शिविर पर ग्रेनेड फेंकने में शामिल था। पुलिस प्रवक्ता ने बताया, प्रारंभिक जांच के दौरान यह पता चला कि वे वेलुपट्टन निवासी इरशाद अहमद भट्ट, जो वर्तमान में एक हत्या के मामले में सेंट्रल जेल श्रीनगर में बंद है, और हफू के रहने वाले मुस्तकीम अहमद अहंगर उर्फ वहीद के निर्देश पर ग्रेनेड फेंकने की गतिविधियों में शामिल थे। पुलिस प्रवक्ता ने कहा, मुस्तकीम और इरशाद दोनों सेंट्रल जेल श्रीनगर से आतंकी गतिविधियों का संचालन कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि एक बार और लिंक की जांच और स्थापित होने के बाद इस मामले में और गिरफ्तारी होने की उम्मीद है। आइए अब बात करते हैं जम्मू के एक स्कूल में चल रहे स्वच्छता और नशा मुक्त भारत अभियान की। जम्मू के एक गर्ल्स हाई स्कूल द्वारा प्लास्टिक पर प्रतिबंध और स्वच्छ भारत अभियान को लेकर एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। प्रभा साक्षी समाता ने इस अभियान के बारे में स्कूल के शिक्षकों और छात्रों से बातचीत की। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। को मैसेज देना चाहते हैं कि हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। आसपास गंद जो है वो अगर दिखे भी तो उसको उठा लेना चाहिए। और ये हम मैसेज सबको देना चाहते हैं, छोटे हों बड़े हों, सबको, कि आसपास जो भी कूड़ा दिखाई दे वो हमें उठा के डस्टबिन में डालना चाहिए और कभी भी गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। कंसर्न है और आज हमने रैली स्वच्छता के ऊपर निकाली थी, क्योंकि मतलब जो क्लीननेस है वो हमारे मतलब आसपास के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये बताना था। हमने मैसेज दिया है, मतलब हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें हमेशा आसपास सफाई रखनी चाहिए और गंद नहीं फैलाना चाहिए। अगर हम देखते हैं कहीं कूड़ा पड़ा हुआ है उसको भी उठा लेना चाहिए, डस्टबिन में डाल देना चाहिए। और बस ये और जो आज रैली निकाली थी ये स्वच्छ भारत पे निकाली थी और से नो ड्रग्स पे निकाली थी। तो स्वच्छता पे निकाली थी हमने इसलिए क्योंकि आजकल काफ़ी बीमारियां फैल रही हैं, तो हम चाहते हैं कि सभी आसपास के लोग, स्कूल, घर, सब जगह सफाई रहे, स्वच्छता रहे, इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का सब कोई ध्यान रखें। और ड्रग्स के लिए मैं चाहती कि ड्रग्स बंद हो जाए और ड्रग्स का काम पूरा A to Z बंद हो और कोई ड्रग्स ना ले। ड्रग्स की जगह काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, वो खाएं। ड्रग्स की बेकार की चीज़ क्यों लेते हैं, उससे कई बीमारियां होती हैं। ये वो स्वच्छता और से नो टू ड्रग्स के ऊपर है। तो से नो टू ड्रग्स इसलिए क्योंकि ड्रग्स लेना एक बहुत बुरी बीमारी है। इसमें अगर ड्रग्स लेते हैं तो इससे बहुत कॉजेज होते हैं, बहुत डिसएडवांटेजेस हैं इसके। इससे अगर ड्रग जो लेता है वो बंदा बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है, इसलिए चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए। ड्रग्स नहीं लेने चाहिए, किसी भी चीज़, किसी भी बंदे को नहीं लेना चाहिए, किसी भी इंसान को। और स्वच्छता जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, स्वच्छता हमें अपने हर 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 जगह रखनी चाहिए, अपने स्कूल में, अपने घर में, हर जगह, रास्तों पे देखते हैं हम कितना कूड़ा कचरा होता है, तो हमें उस चीज़ को देखना है कि वो चीज़ ना हो। हमें उस चीज़ को अवॉइड करना है कि कूड़ा कचरा डस्टबिन में ही हो। डस्टबिन लगाए होते हैं तो हर कोई उसी में फेंके कचरा, क्योंकि बाहर रोड पर कोई होता है, कोई कोल्ड ड्रिंक पी कुछ भी, तो वो नालियों में फेंक देते हैं, तो उससे नालियों की ब्लॉकेज भी होती है। तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि डस्टबिन अगर बनाए हैं तो उसका यूज़ करें।
सर, आपको पता है कि हमारी जब से कोविड स्टार्ट हुआ है पेंडेमिक के दौरान हमारा काम तो बिल्कुल हैम्पर नहीं हुआ एजुकेशन डिपार्टमेंट का। वर्चुअल मोड पे बच्चों की क्लासेस लगती रहती थी, प्रॉपर टाइम टेबल बना हुआ था, लेकिन फिर भी बच्चे जो थे उनकी एक्टिव नहीं थे बच्चे। इन पर्सन बच्चों से टीचर की कोई मुलाकात नहीं थी, कोई फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था। तो हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने एक एकेडमिक कैलेंडर लॉन्च किया था जिसमें हमारे जितने फ्रीडम फाइटर्स की पोस्ट इंडिपेंडेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस थी एंड प्री इंडिपेंडेंस जितनी भी फ्रीडम फाइटर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन था उसके रिलेटेड, और ये जितना भी कैलेंडर था ना, ये सारा कॉन्टेंट जो था ये हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड था। तो बच्चों को हमने एक्टिव किया हुआ था, इनको हम टॉपिक्स देते थे, बच्चे इन पे स्किट्स सिम्पोजियम्स एंड डेक्लेमेशंस होती थी, तो बच्चे इस तरह से हमने एक्टिव रखे। तो अगस्त के बाद से बच्चे हमने इसी तरह एक्टिव रखे हुए थे, इस कैलेंडर को फॉलो किया हुआ था, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब लास्ट में अब जैसे कि फेब का एंड है, अब आगे इनके एग्जाम है, नेक्स्ट मंथ इनके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमने कंक्लूड किया इस सारे कैलेंडर को, जितनी एक्टिविटीज थी उनका क्रक्स करके आज हमने रैली निकाली ताकि बच्चों को एक एक्नॉलेजमेंट मिले कि दो देवर नॉट इन द स्कूल लेकिन उनका काम जो है वो सराहा जाना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे गांधीनगर से एक राउंड लेके इनकी रैली निकलवाई बच्चों की, और सर ने बच्चों का थैंक्स किया कि टीचर्स के साथ इन अकॉर्डेंस विद टीचर एंड इन कोऑर्डिनेशन विद टीचर्स बच्चों ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है ड्यूरिंग पैंडेमिक। सर है जो डीएससी जी के थ्रू ये जो कैलेंडर एक्टिविटीज थी अमृत महोत्सव की, इसमें जितनी भी हमारी जो एक्टिविटीज थी यहाँ पर ड्रग्स के जो अब्यूज थे वो बच्चों ने जो स्लोगन्स जो यहाँ पर किए, और उसके अलावा इन्होंने फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज ये स्लोगन्स भी दिए, और भी जो एक्टिविटीज़ थी सर इनके स्लोगन्स जो थे वो प्रिपेयर करवाए गए थे टीचर्स द्वारा, और जो हाउस एक्टिविटीज़ इनको दी गई थी बच्चों ने बहुत अच्छे से टीचर्स के साथ निभाया इस चीज़ को। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज़ ये हम टीचर्स के लिए हम बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है आज के दौर पर, क्योंकि जो स्ट्रेस लेवल्स हमारे हैं हमारे अपनी वर्किंग कैपेसिटी वर्किंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम सबको फिटनेस जो है वो आधा घंटा रोज़ हो सके तो उससे भी ज़्यादा करें, क्योंकि फिटनेस जो है वो आपको हमेशा बेनिफिट ही देगी लाइफ में। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ आपकी फिजिकल एक्टिविटी आपका जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है ये उसको और अच्छा करता है, और मैं सबसे यही चाहूँगी कि आप अपने आप को फिट रखें। बेसिकली जो आज हमारी गर्ल्स हाई स्कूल गांधीनगर से जो रैली निकली थी इसके तीन मोटिव थे। पहला जिसका जो मोटिव था जो हमारा आज़ादी का उत्सव चल रहा उसके सिलसिले में था, उसको बच्चों को हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारतवर्ष को आज़ाद कराया जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी जी और जो आज़ाद हमारे भगत सिंह जी के बारे में बच्चों को उनके क्लासों में के अंदर टीचरों के उनकी जो जीवन में उन्होंने जो मतलब भूमिका निभाई थी उसके बारे में अवगत कराया। दूसरा जो हमारी रैली थी वो आज वो ड्रग अब्यूज़ जो है, क्योंकि आजकल पूरे भारतवर्ष में देखिए कि ड्रग्स की बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों को ड्रग्स के, हमारे बच्चे चलो बिल्कुल ठीक हैं ऐसी बात नहीं है, परंतु बच्चों को ड्रग्स के बारे में जागरूक किया जाए। दूसरा उसका ये जो मेन जो उद्देश्य था, और तीसरा जो था क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और हमारे एलजी साहब का श्री मनोज सिन्हा जी का एक ही नारा है कि पहले स्वच्छता सबसे ऊपर है, तो बच्चों को कैसे स्वच्छ रहना है और हमारे इर्द गिर्द जो वातावरण उसको कैसे स्वच्छ रखना है और इसके बारे में जो लोकल पब्लिक कैसे जागरूक किया जाए उसके बारे में ये रैली थी। ये लगभग हमारे स्कूल से 6 से लेकर 9 10th और 8th तक के बच्चों ने रैली में लगभग 350 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जो जहाँ से स्कूल से निकल कर गांधी नगर लास्ट मोड़ से होती हुई बाया बॉयज़ हाई सेकेंडरी अफसर रोड से होती हुई जहाँ पर स्कूल में आखिर खत्म हुई। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।